देखो, चैप्टर स्लेंडर कॉन एंड स्फेयर, एक्सरसाइज 20B की इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। देखो कॉन, ठीक है, कॉन होता क्या है, व्हाट इज कॉन, ठीक है। देखो हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। जब आप राइट एंगल ट्राइंगल को रोटेट करते हो, लेट दिस बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। जब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को रोटेट करोगे, ठीक है, इस ट्राइंगल किसी एक साइड के अलोंग, ठीक है, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, ठीक है। जैसे ये आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज ए बी बी सी, ठीक है। तो आप बी सी के अलोंग या ए सी के अलोंग इसे रोटेट करोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेट करोगे, ठीक है। तो ये एक्सिस ध्यान रखो, ये जो लाइन है, ये लाइन फिक्स रखनी है, इसको नहीं आपने मूव करना है, ठीक है। ओनली इसको फिक्स रख के इसको ऐसे मूव करो, ठीक है। तो मूव करने पर जब आप ऐसे ऐसे रोटेट करोगे तो आपके पास कौन बनेगा, ठीक है। जब आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो इस तरफ को ऐसे, ठीक है, और फिर से इसी पोजीशन पर ला रहे हो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, कौन बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इस शेप में आपके पास ये बन जाएगा, इसे कहते हैं हम कौन। ये जो आपके पास, ठीक है, ये जो आपके पास है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये आपके पास ये चीज होगी, इसे हम कहते हैं इसकी स्लांट हाइट, ठीक है। और अगर हमने इसे ए बी के अलोंग मूव किया है, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ठीक है, तो ए बी इज द हाइट एंड बी सी इज द रेडियस ऑफ दिस कॉन, ठीक है। जब आप इसको रोटेट कर रहे हो तो इसके बेस में क्या बन रहा है आपके पास, सर्कल बन रहा है, ठीक है। इसको आप पेज पर रखना, ठीक है, ऐसे रखो पेज पर, ठीक है, फिर ऐसे घुमा के देखना इसको, ठीक है, आपको लग जाएगा पता नीचे क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, ठीक है। तो इसके बेस में क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, ठीक है, ओके। आ जाओ अब यहाँ पर, ये जो है आपके पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल थी, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। तो ए बी सी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होगा। देखो इसका बहुत यूज होता है, कई बार आपके पास एल दिया होगा, एल को बोलते हैं हम स्लांट हाइट, एच को बोलते हैं हाइट, और आर को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ इट्स बेस, ठीक है, ओके। तो ये फार्मूला बहुत यूज होता है। देखो आपने एक और, जैसे आपने आइसक्रीम का देखा होगा, आइसक्रीम के भी कौन होते हैं, बाकी जैसे मूंगफली वाले भी बनाते हैं इस शेप में, ठीक है, इस शेप में जो बनता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कौन, ये क्या आपके पास कौन है, ठीक है, इस शेप में क्या बोलते हैं हम इसे, कौन। जैसे आइसक्रीम कौन होता है आपके पास, कॉर्नेटो के कॉन्स होते हैं, ठीक है, लग गया पता। तो ये फार्मूले आपने ध्यान रखने हैं, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये चीज आ रही है। अगर आपके पास एच और आर दिया है तो एल निकल जाएगा, ठीक है, अगर एल और एच दिया है तो आर निकल जाएगा, ठीक है, सिमिलरली एल और आर दिया है तो एच भी निकल जाएगा, ओके। नेक्स्ट है इसके कुछ फार्मूले हैं, किसका वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 πr² h, 1/3 πr² h इज द वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है। और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस, और कर्व्ड सरफेस बोलो या लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है, क्या होता है इसका, πr(l), ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है, या लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जैसे आपके पास ये कौन बन रहा है, मान लो ये आपके पास कौन है, तो ये साइड, इसको साइड से कवर करना, साइड से कवर करना है ऐसे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लेटर सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, वो होता है πr(l), ठीक है। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बस ये तीन फार्मूले हैं इसमें। टोटल सरफेस एरिया में क्या जाएगा, इसे पूरा कवर करना है, तो ऐसे साइड से कवर करोगे, तो ऊपर ऐसे चौंस है, तो साइड से कवर करोगे क्या जाएगा, πr(l), ठीक है। और बेस भी कवर करना पड़ेगा, और बेस क्या है इसका, सर्कल, तो प्लस πr², ये इसका टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। अगर πr कॉमन ले लो तो l प्लस r, πr इंटू l प्लस r,
इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ठीक है, दिस इज कर्व सरफेस एरिया एंड दिस इज टोटल सरफेस एरिया, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉन, ठीक है। तो इन्हीं फार्मूले का यूज होगा और इन्हीं फार्मूलों के बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आओ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन थी इस एक्सरसाइज की, ओके। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोलते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कॉन, सबसे पहले कॉन बना लो, ठीक है, फिगरली क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, ठीक है। आपने इस कॉन का वॉल्यूम निकालना है, हु स्लांट हाइट इज 17, स्लांट हाइट का मतलब क्या है, एल 17 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि ये आपके पास 17 सेंटीमीटर है, यही स्लांट हाइट है। एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 8 सेंटीमीटर, और जो रेडियस होगा बेस का, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर दिया है, आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको क्या बोलते हैं, फाइंड द वॉल्यूम, आपने निकालना है वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 πr²h, ठीक है। देखो विच इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 8² × h, h आपके पास नहीं दिया है, आपके पास l दिया है स्लांट हाइट, h क्या होगा इसका, ये h होगा, तो मैंने आपको बताया h कैसे निकालना, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकती है, a एंड लेट दिस पॉइंट इज b एंड दिस इज c, तो यहां से क्या आ जाएगा, ac² = ab² + bc², या तो l² = h² + r², एल क्या है 17² h² + r = 8, तो 8² 7 7 = 289, ये वहां के माइनस हो गया 64 = h² एंड विच इज इक्वल टू 225 = h² एंड 15 = h, h की वैल्यू क्या आ गई 15, उठाओ यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दो, ये रफ काम नहीं है, फेयर वर्क है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। देखो मेन चीज है कि आप में जो पूछा है वो लिख लो, वॉल्यूम पूछा है वॉल्यूम लिख लो, फिर वहां पर देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें पाई की वैल्यू चाहिए हमें पता है, आर की वैल्यू चाहिए गिवन है, एच चाहिए, तो देखो हम एच कैसे निकाल सकते हैं, आया समझ में, बस वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो और सॉल्व कर लो, 3 5 = 15 एंड विच इज इक्वल टू 22/7 × 64 × 5, मल्टीप्लाई कर लो कितना गया 640 7 0 40/7 एंड विच इज इक्वल टू 100, ठीक है 1005.7 एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दिया तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, तो 100.71 cm³ क्या जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कॉन, ठीक है। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास दिया है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज 12,320 cm², ये आपके पास कॉन है, ठीक है, ओके, एंड दिस इज द हाइट रेडियस एंड दिस इज स्लांट हाइट, ठीक है। अब इसका कवर सरफेस एरिया यानी कि साइड से कवर कर रहे हैं, वो क्या दिया 12320, ठीक है, क्या दिया आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कितना दिया है कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 12320 cm², ओके। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन होता क्या है, ठीक है, पाई आर एल के इक्वल होता है, तो कंपेयर कर दो इन्हें, कोई ना कोई वैल्यू तो निकल जाएगी यहां से, ठीक है, ओके। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन आपको गिवन है, तो कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कॉन के इक्वल कर दो, ठीक है, यहां से सॉल्व करो, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपके पास रेडियस दिया हुआ है 56, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 56 cm दी है, सब्सिट्यूट कर दो, तो पाई का 22/7, आर इज 56 एंड एल एल ही रहेगा, ये चीज आ गई, एंड एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 12320 × 7/56 एंड 22 नीचे 211 एंड किया जाएगा 11 से करो एंड 56 से किया 10, एल की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 70 cm, स्लांट हाइट आ चुकी है और आपसे हाइट पूछी है, ठीक है, हाइट पूछी है
तो देखो यहाँ पर हाइट क्या होगी, वी नो डैट, वी नो एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ठीक है, देखो हमें कर्व सरफेस एरिया था, हमने कंपेयर किया, वहां से हमारे पास एल आ गया। ठीक है, हमें एच निकालना, तो एच कौन से फार्मूले में आता है? ठीक है, जहां पर एल और आर दिया हो, देखो ना एल आर हमारे पास 56 सेंटीमीटर दिया था, एल इज इक्वल टू क्या निकल गया हमारे पास 70 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर पाइथागोरस तो हम यूज कर सकते हैं, साफ दिख रहा है, तो वही चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 70 स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस 56 का स्क्वेयर। नाउ विच इज इक्वल टू 70 स्क्वेयर माइनस 56 का स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर। ठीक है, देखो 56 का स्क्वायर पता तो ठीक है, नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं, 4900 माइनस 56 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास, 3136, 3136 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ पर कर भी लेते, कहीं गलत ना कर दे, एंड ये चीज आ गई। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू, ये 6 आ गया, 3136 ठीक लिखा है, सब्ट्रैक्ट कर दो कि ना जाएगा 4, 9 में से 3 गए 6, एंड 8 में से 1 गया 7, एंड 764 इज इक्वल टू एस स्क्वायर, यही आ रहा है, 1764 आ रहा है। ठीक है, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 8 में से 1 गया 7, एंड 4 में से 3 गए 1, तो 1764। ठीक है, अब 1764 किसका स्क्वायर होता है? ठीक है, 42 का, तो 42 स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर, तो 42 इज इक्वल टू एच, तो एच की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 42 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ द कॉन इज 42 सेंटीमीटर, जो आपसे इन्होंने पूछा था। ओके, आया समझ में? देखो क्वेश्चन नंबर 3, बोलते हैं द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए 12 मीटर हाई कॉनिकल टेंट। आपके पास क्या है, एक कॉनिकल टेंट है ये। ठीक है, 12 मीटर हाई, यानी कि हाइट कितनी दी है इसकी, 12 मीटर। ठीक है, ये 12 मीटर दिया है। ओके, एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, और ये जो सर्कमफ्रेंस है बेस पर क्या है, सर्कल, तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर, वो कितनी दी है आपके पास, 66 मीटर दी है। ठीक है, हाइट आपके पास 12 मीटर दिया है। बोथ ए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इट, कि इस टेंट के अंदर कितनी एयर आएगी। ठीक है, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उतनी आएगी, कैपेसिटी का मतलब है कि वॉल्यूम, तो आपसे इन्होंने इसका वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ टेंट, तो वॉल्यूम ऑफ टेंट क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 πr² h। हमें आर भी चाहिए और एच भी चाहिए, एच हमें है और आर निकालना है। ठीक है, तो आपके पास जो दिया है सरकमफ्रेंस दी है, लिख लो सरकमफ्रेंस आपके पास ये कितनी, 66 मीटर। तो सरकमफ्रेंस होती क्या है आपकी, कौन की सरकमफ्रेंस, क्या है जो बेस है, बेस में सर्कल है, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 πr, 2 πr इज इक्वल टू 66 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू 66/2 π, यानी कि आर इज इक्वल टू 66/2 π इज 22/7, 7 चल जाएगा ऊपर, तो 2 से किया 33 एंड 11 3, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 21/2 m। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 21/2 m या 10.5 m, जो मर्जी लिख लो। ठीक है, जो मर्जी आप यूज कर सकते हो, उठाओ ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 π 22/7 एंड आर इज 21/2 × 21/2, क्योंकि स्क्वेयर है, और एच की वैल्यू क्या है, 12। इसे सॉल्व कर लो, 7 3 21 कट गया, 2 2 जा 4 3 जा 12, कितना आ गया, 22 × 63, तो 6 1386 m³।
ठीक है, इतनी एयर आएगी आपके पास कॉनिकल टेंट के अंदर, ठीक है। तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन कॉनिकल टेंट कितनी आ जाएगी, विच इज इक्वल टू, एंड विच इज इक्वल टू कितने, 1386 मीटर क्यूब। ओके, ये चीज आई समझ में, ठीक है।